सो दिस क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें हम लोग कह दिया है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सिक्स कॉइन्स आउट ऑफ 21 रुपीज कॉइन, 10 50 पैसे कॉइन एंड 7 25 पैसा कॉइन। तो अपने पास वेराइटी कितनी है? तीन वेराइटी है, एक दो और ये तीन, जिसमें 20 1 रुपए के सिक्के हैं, 10 50 पैसे के सिक्के हैं और 7 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और अपन को क्या सिक्स कॉइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि जब अपने पास वैरायटी दी गई हो और वैरायटी, क्योंकि ये 20 1 रुपए के सिक्के सब आइडेंटिकल है। ठीक है, तो चाहे वैरायटी कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, तो इसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ वेराइटी, तो अपने केस में एन हो जाएगा 3। आर क्या है, आर जो अपन को चीज सिलेक्ट करनी है, तो अपने में कितनी है 6, तो 6 पॉइंट को अपन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 प्लस 6 माइनस 1 C6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8C6 विच इज फर्दर इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 × 7 अपॉन 2 विच इज फर्दर इक्वल टू 28। ठीक है, तो इसमें कितने रिपीटेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है, सो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए।